गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं कैसे अपने स्किन को प्रेप करती हूँ, कैसे अपने स्किन मतलब सिर्फ फेस को नहीं, मैं मैनिक्योर पेडिक्योर खुद घर पर ही करती हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा छोटा सा प्रोसेस है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इनफैक्ट पार्लर में जो आपको ट्रीटमेंट मिलता है उससे तो कई गुना ज़्यादा ही बेटर मैं कहूँगी, बिकॉज पार्लर वाला बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू दिस वन। इट इज सो अफोर्डेबल, इसे टीनेजर्स मेन वुमेन एवरी वन कैन फॉलो। फेस्टिव सीजन है, दुर्गा पूजा, दीपावली, ऊपर से वेडिंग सीजन इज कमिंग, तो ये एक इशू बन जाता है खुद को पैम्पर करने का और खुद के लिए कुछ करने का, स्किन को ठीक रखने का। तो बस इसी वजह से ही मैंने अपने स्किन को ठीक करने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। मैं हर वीक इस रूटीन को फॉलो करती हूँ। वीक में आपको एक दिन फिक्स रखना है कि आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे, जिसमें आप अपने हैंड्स और लेग के लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे। घर पर ही अगर आप इस छोटे से सिंपल से प्रोसेस को हर वीक फॉलो करेंगे तो आपको पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले आपको इस तरीके का एक टब चाहिए। टब के अंदर हॉट वाटर लीजिए, ज़्यादा हॉट मत लीजिए, जितना आप बियर कर सकते हैं उतना ही लीजिए। एंड आप चाहे तो बाल्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हिमालयन पिंक सॉल्ट, मेरे पास ये अवेलेबल है, दैट्स वाई मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके घर में पिंक सॉल्ट नहीं है देन आप नॉर्मल जो हम लोग सॉल्ट कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पर, आप उसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इंडस वैली का लेमन एसेंशियल ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेमन एसेंशियल ऑयल स्पेशली, क्योंकि ये ब्राइटन करने के लिए बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट है। बट अगर आपके घर में लेमन एसेंशियल ऑयल अवेलेबल नहीं है, आप सिंपली एक लेमन को स्क्वीज करके उसका जो जूस है उसे ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको हाफ लेमन चाहिए, उसको स्क्वीज कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो आप लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इस तरीके से अपने लेग्स को और अपने हैंड्स को इसके अंदर डिप करके रखा है। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी ऊपर की तरफ भी ला सकते हैं, थोड़ा सा मसाज दे सकते हैं अपने लेग्स एंड हैंड्स पर इस हॉट वाटर से। और इसे आपको 5 मिनट्स तक हैंड्स और लेग्स को डिप करके रखना है। 5 मिनट्स में ही आपके जो हैंड्स एंड लेग्स के जो डेड सेल्स है, जो डर्ट है, वो निकल जाता है हॉट वाटर में डिप करने से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये बॉडी स्क्रब लिया है, ये है DNQ ग्रीन टी बॉडी स्क्रब। और इस बॉडी स्क्रब को लेकर मैं अपने हैंड्स पर और अपने लेग्स पर एक स्क्रबिंग दूंगी, एक मसाज दूंगी। इससे जो डेड स्किन सेल्स है वो इजीली रिमूव हो जाता है और स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड सपल फील होता है। ग्रीन टी इसके अंदर है तो थोड़ा सा मुझे रिफ्रेशिंग भी लगता है। उसके बाद आप अपने हील्स पर इस तरीके का अगर टूल है आपके पास, ये है स्क्रबर, तो आप इसे थोड़ा सा स्क्रब कर सकते हैं। इससे अगर आपके हील्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई है या फिर क्रैक हो गए हैं तो वो सब ठीक हो जाता है। अगर ये सब अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल किसी भी स्क्रबर से इसको स्क्रब कर सकते हैं। फिर आप अपने नेल्स को वॉश कीजिए इसी तरीके से। मैंने यहाँ पर एक नेल कटर लिया है, नेल कटर से मैं नेल्स को वॉश करूँगी। मैं नेल्स को साफ कर रही हूँ इससे। आप चाहे तो इस टाइम नेल कटिंग भी कर सकते हैं। फिर ये जो पूरा प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाने के बाद अपने लेग्स और हैंड्स को ड्राई कीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर्ड लिया है, दही लिया है और मुल्तानी मिट्टी लिया है और चारकोल पाउडर लिया है। ये तीनों इन्ग्रीडियंट्स आपको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल भी मिक्स किया है। मैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसीलिए मैंने 10-12 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल के मिक्स किए हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं देन आप सिर्फ 5 या फिर 4 ड्रॉप से मिक्स करें, उससे ज़्यादा नहीं। आप चाहे तो लेमन भी मिक्स कर सकते हैं। चारकोल पाउडर नहीं है देन आप इसकी जगह बेसन को ऐड कर सकते हैं, आप हल्दी को ऐड कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस उपटन को पसंद करती हूँ चारकोल पाउडर्स और मुल्तानी मिट्टी से, तो मैं वही अपने हैंड्स और लेग्स पर अप्लाई करूँगी। दोनों हाथों पर आपको अप्लाई करना है, लेग्स पर भी। आप चाहे तो इसे नेक पर एंड होल बॉडी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ 10 मिनट्स चाहिए इसे सूखने के लिए एंड देन आपको जस्ट शावर लेना है। इट्स दैट सिंपल। तो ये
सा प्रोसेस है, आपको जस्ट 1 आवर चाहिए शावर से पहले। आप शावर से पहले इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ये 1 आवर मैक्स टू मैक्स लेता है, उससे ज्यादा ये नहीं लेता। सिर्फ अपने फेस को ठीक रखना इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, टॉप टू बॉटम आपको टिप टॉप हमेशा रहना है, ये मेरा मंत्र है। मैं कभी नहीं चाहती कि मैं अपने फेस को ही सिर्फ पैम्पर करूँ, मैं अपने होल बॉडी को पैम्पर करती हूँ एवरी वीक। एक दिन मेरा फिक्स रहता है विच इज संडे, तो मैं संडेज को अपने होल बॉडी को पैम्पर करती हूँ, इसी प्रोसेस को मैं फॉलो करती हूँ। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इनफैक्ट आपके स्किन को हमेशा प्रिपेयर्ड रखना इज रियली इम्पॉर्टेंट। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।